इतना चटखारेदार और मज़ेदार अचार बाजार का हो ही नहीं सकता। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पूरे YouTube पर आपको ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारी फैमिली रेसिपी है। और एक और राज की बात बताऊँ आपको, होममेड अचार 1300 से 1400 तक 1 kg मार्केट में सेल होता है। और ये रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसका टोटल एस्टिमेट तकरीबन 2000 है, जबकि ये बिक सकता है 6 से 7 हज़ार में। तो सोचें कितना प्रॉफिट है। तो मेरी इस कमर्शियल रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप घर में बैठ के कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो होममेड कुकिंग से अच्छा कुछ भी नहीं। ये कमर्शियल रेसिपी है, आप इस अचार को बनाइए, सेल कीजिए। मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को जानती हूँ जो घर में अचार बनाती हैं और उनका अचार बहुत अच्छा बिकता है। ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है, आप इसे ट्राई कीजिए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर के मसालेदार साफ सुथरे अचार की तो बात ही कुछ और होती है। और अगर आप भी मेरी तरह मिक्स अचार के शौकीन हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना मज़ेदार अचार बनेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि मज़ेदार अचार कैसे बनाना है। मेरी पिछली वीडियो में मैं अचार में जो जो हमें सामान चाहिएगा उसकी सारी डिटेल दे चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हमने 3 किलो कैरी लिए यानी कि कच्चा आम, और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। इसकी गुठलियाँ निकाल ली है, 2-3 पानी में आप इसे अच्छे से धो के ड्राई कर लें। तो सबसे पहले हम इसमें नमक और हल्दी लगाकर इसे एक रात के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अचार बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है, लेकिन जाहिर है कि हमें इसे एक दिन तो बनाना नहीं होता या एक दिन तो खाना नहीं होता है। लंबे अरसे के लिए हम बनाते हैं, महीनों के लिए, तो फिर इतनी तो मेहनत बनती है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून हल्दी ली है, 4 to 5 टेबल स्पून नमक लिया है, 2 ग्लास पानी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि हमारा नमक जो है थोड़ा मोटा है तो वो डिज़ोल्व हो जाए। और फिर इसमें मैं कैरी डाल दूँगी, तकरीबन 1 किलो जितनी या 1.5 किलो जितनी पहले मैं कैरी डालूँगी इसमें। इसे मिक्स करूँगी इस तरह से और फिर इसे एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दूँगी। देखिए, पानी इतना होना चाहिए कि जो हमारी कैरियाँ हैं वो इसमें अच्छे से डूब जाएं। अगर आपने पानी कम डाला हो तो आप थोड़ा पानी इस वक्त डाल दें। बस इसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी कैरियाँ लेंगे और इसमें नमक और हल्दी डालते जाएंगे और पानी डाल के, और फिर इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अब अगेन मैंने पहले वाला बर्तन ले लिया है, इसमें नमक और हल्दी डाल रही हूँ और इसमें मैं पानी डालूँगी 2 ग्लास, और इसके बाद बाकी कैरियाँ डालूँगी और इसे मिक्स करूँगी। और फिर अगेन पहले वाले जो बड़ा बर्तन है जिसमें हमने पहले वाली कैरियाँ डाली थी उसमें हम ये कैरियाँ डाल देंगे। तो इसी तरह से हमें सारी कैरियों को नमक और हल्दी लगा देना है। तो फ्रेंड्स, इन सारी कैरियों को मैंने तकरीबन 4 स्टेप्स में इस तरह से नमक और हल्दी लगाया है। हर स्टेप में मैंने 4 टेबल स्पून हल्दी लिए और 5 टेबल स्पून नमक लिया है और 2 से 2.5 ग्लास मैंने पानी शामिल किया है। और देखें यहाँ पर इस तरह से मैंने अब इसे बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया है और कैरियाँ देखें हमारी इस तरह से डूबी हुई हैं। अब हम इसे कवर करके पूरी रात के लिए इसे पानी में छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने ये फ्रेश हरी मिर्चें ली हैं, इसे भी मैं नमक और हल्दी लगाकर और सिरके में डिप करके पूरी रात के लिए रख दूँगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं ग्वार की जो फली होती है वो और फ्रेश मिर्चें अचार में डालूँगी, जबकि आप मिक्स अचार में बाकी तमाम चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे लहसुन है या फिर लहसुन है, नींबू है, गाजर है, ये सब आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ये 3 चीज़ें डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में यही 3 चीज़ें अचार में शौक से खाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने मिर्चों की डंडियाँ निकाल ली और इसे अच्छे से धो लिया है। इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून नमक, 2 कप मैंने सिरका लिया है, 1 कप मैंने पानी लिया है। उसे पूरी रात के लिए मैं सिरके में डिप करके रख दूँगी ताकि अगले दिन ये कैरियाँ जब हमारी तैयार होंगी, सॉफ्ट होंगी, तो मिर्ची भी हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। लेकिन सिरका इतना डालना है कि मिर्ची हमारी अच्छे से उसमें डिप हो जाएँ। अब आते हैं हम कैरियों की तरफ। तो अगली सुबह मैंने इस तरह से देखें कैरियाँ सारी निकाल ली थी और इसे खुले बर्तन में, किसी ट्रे में या खुला बर्तन हो उसमें आपने इस तरह से फैला लेनी है, कैरियों को इस पानी से निकाल लेना है। लेकिन ये पानी फेंकना नहीं है आपने, क्योंकि इसी पानी में हम जो अचार का हमारा जो मसाला है वो तैयार करेंगे।
तो देखिए इस तरह से मैंने सारी कैरियां निकाल ली थी, उसे अच्छे से दो बड़ी ट्रे में फैला दिया था। इसे एक दूसरे के ऊपर आपने ओवरलैप नहीं होने देना है, बल्कि अच्छे से खुला खुला फैला देना है। और इसके बाद जहां धूप हो वहां पर आपने कैरियों को रख देना है। तो 3 से 4 घंटे के लिए या 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और अगर धूप नहीं आती आपके घर में तब भी कोई मसला नहीं, आप कमरे में इसे रख दें, पंखे की हवा में आप इसे ड्राई होने दें। अब अचार के मसाले की हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, इसमें दालचीनी की 2-3 स्टिक हैं, 7-8 बड़ी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है। इसके अलावा ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सारा ही सामान मैंने साबुत लिया है और उसे मैंने ग्राइंड किया है घर में, तो ये भी जो है मैंने ग्राइंड किया है सारा मसाला घर में। और ये थोड़ा ज़्यादा ही है, हम ज़्यादा मसाला बनाएंगे क्योंकि बहुत मसालेदार सा अचार हम बनाएंगे। आप अगर कम मसाला पसंद करते हैं तो आप कम मसाला बना लें अचार का। मेरे घर में चूँकि ज़्यादा मसाला खाया जाता है इसे मैं अचार में काफ़ी मसाला रखूँगी। और ये जो मसाला हमारा बच जाएगा इसे हम और बारीक ग्राइंड करके और फिर घर की जो सालन वगैरह हमारा डेली बेसिस पे बनता है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि मैं जो बाहर का पाउडर रेडीमेड मसाला मिलता है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ लाल मिर्च कलर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा धनिया, जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, ये तमाम मसाले मैं घर में ही, चाट मसाला, गरम मसाला, ये तमाम मसाले मैं घर में ही ग्राइंड करती हूँ। और मैं बाहर का मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि उससे हमारे जायके में बहुत फ़र्क आता है। आप एक बार घर में तमाम मसाले पीस के और उससे सालन अपना ट्राई करके देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। आपके सालन में बहुत टेस्ट आएगा अगर आपने घर में मसाला बनाया होगा। और क्योंकि बाहर के मसालों में मिलावट होती है, वो इतने प्योर नहीं होते, इससे वो सालन का जायका ख़राब करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सौंफ है जो कि 2 कप है, इसे मैंने मोटा मोटा दरदरा सा ग्राइंड किया है क्योंकि अचार का मसाला जो होता है वो दानेदार सा होता है। इसके साथ ही ये 2 कप धनिया है। आपने ये याद रखना है कि जितना हमारा धनिया होगा उतनी ही सौंफ होगी, दोनों हमने इक्वल मेजरमेंट के साथ लेनी है। मैं जो मेजरमेंट्स आपको बता रही हूँ वो आप एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा, अचार बहुत बेहतरीन बनेगा। 1/2 कप मैं यहाँ पर पीली राई लूँगी, इसके साथ ही मैं 1/2 कप मेथी लूँगी। तो जितनी राई होगी उतनी ही मेथी होगी। मेजरमेंट्स को आपने बहुत एग्जैक्टली फॉलो करना है। 1/2 कप ही आप राई लेंगे और 1/2 कप ही आप मेथी लेंगे। अगर आपने मेथी और राई ज़्यादा डाल दी तो अचार आपका चिकना हो जाएगा और कड़वा भी हो जाएगा। तो आपने 2 कप धनिया में सिर्फ 1/2 कप राई और 1/2 कप मेथी डालनी है। मेथी भी आपको अच्छे से ग्राइंड करनी है। देखें आपने ना इसे पाउडर बनाना है और ना ही इसे साबुत छोड़ देना है क्योंकि अगर ये साबुत रह जाएंगी तो मुंह में आएंगी और फिर कड़वी लगेंगी। तो मेथी थोड़ा सा टेक्निकल है ग्राइंड करना, अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप बाहर से ले लें। मैंने इसे की मोटी छन्नी में इसे गुजार लिया था और फिर जो दाने ग्राइंड नहीं हुए थे उन्हें अलग कर लिया था, उन्हें अचार में नहीं डाला था। देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि इसका दाना कैसा होना चाहिए अचार के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा कि हम छन्नी में ये तमाम मसाले को जो हमने पीसा है इसे इस तरह से छान लेंगे। इससे ये होगा कि जो पाउडर फॉर्म होगा इस मसाले में वो अलग हो जाएगा, वो हमें नहीं डालना है। सिर्फ मोटा दरदरा सा मसाला हम अचार के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि अचार के मसाले का जो टेक्स्चर होता है वो दानेदार सा होता है। तो इस तरह से हमारा दानेदार सा मसाला बनेगा। तो ये तमाम मसाले को मैं छान रही हूँ और ये जो पाउडर फॉर्म में जो मसाला है उसे मैं अलग कर लूँगी और इसे मैं बाद में अपने जो दीगर खाने बनते उसमें मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं होगी, बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो परफेक्ट रिजल्ट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है इसमें। अच्छा जी, सारे मसालों को मैंने छान लिया है और अब मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर 2 कप मैं पहले धनिया ले रही हूँ, इसके बाद 2 कप हम सौंफ लेंगे। अच्छा जी, 1/4 कप मैं यहाँ पर कुटी हुई मिर्च लूँगी। अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो फिर आप 1 कप तक ले लें। 1/2 कप मैं मेथी लूँगी, 1/2 कप मैं पीली राई लूँगी। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी इस तरह से और जो गरम मसाला है वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब जिस पानी में हमने रात भर कैरी भिगाई थी उसी पानी में हम इस मसाले को तैयार करेंगे। इसी पानी में हम 3 से 4 घंटे के लिए इस मसाले को भिगो देंगे। तो इस तरह से हम जग में ये पानी ले लेंगे और कोशिश करेंगे कि नीचे जो हल्दी बैठी हुई है वो पानी में ना आए और सिर्फ ऊपर ऊपर का हम पानी लेंगे। अब किसी दूसरे बाउल में हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम मसाला लेंगे और थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से पानी लेंगे। बहुत ज़्यादा वाटरी सा हमें नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो अचार हमारा बहुत पतला सा हो जाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। देखिए मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा रही हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा आपने पानी शामिल करना है और इस तरह से सारे मसाले को आपने इसमें भिगा देना है। तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम इस मसाले को भिगा देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी लिया है और नीचे ये जो हल्दी वाला पानी है इसे हम ज़ाया कर देंगे, इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमें कितना पानी शामिल करना है।
अच्छा जी, इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि जो कैरी वाला हमने पानी इस्तेमाल किया उसमें ऑलरेडी नमक है। अब जब तक ये मसाला भीगेगा तब तक हम कैरी को ग्रेट करके और उसे भी मसाला लगा देंगे। अब ये 1 किलो कैरी है, इसे मैं ग्रेट कर लूँगी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं 1 किलो कैरियों की फुर्चन बनाती हूँ और उसे फिर मसाले में शामिल करती हूँ। तो बहुत ही डिफरेंट सी हमारी रेसिपी है और बहुत ही हिट रेसिपी है। तो आप देखिएगा कि जब हमारा अचार तैयार होगा तो हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। इन्हें ग्रेट करने के बाद इसमें भी हम 2 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून नमक डाल के इसे मिक्स करेंगे और इसे भी 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फाइनली अचार की मिक्सिंग कर रहे हैं। टोटल 1.5 दिन लगा है हमें इस सारी प्रिपरेशन में और अब कुछ ही देर में हमारा मज़ेदार सा अचार तैयार हो जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्वार की जो फली है वो मैंने रेडी ली थी, जो अचार का सामान जहाँ से मिलता है वहाँ से मैंने ये सिरके वाली ग्वार उठा ली थी और मिर्चें और बाकी सारा सामान मैंने घर में तैयार किया है। तो सबसे पहले हम ये मसाला डालेंगे। मिक्सिंग के लिए आप बड़ा सा पैन ले लें और सबसे पहले मसाला लें, उसके बाद ये जो खुरचन है हमारी कैरी की वो डालेंगे, थोड़ी सी ग्वार की फली डाल दें, थोड़ी सी मिर्चें डाल दें, थोड़ी सी कैरी डाल दें, इसे अच्छे से मिक्स करें। देखें, इस तरह से सारे मसाले को मिक्स करें और इसके बाद इसमें 2 कप ऑयल शामिल करें। कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल इसमें शामिल कर दें। तो देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है हमारे अचार का, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, मेरी गारंटी है आपको, ज़रूर आपने इसे एक बार ट्राई करना है। अब इस अचार को मैं इस मिट्टी की हांडी में शिफ्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की मिट्टी की हांडी है तो आप उसमें अचार रखें, इसमें अचार बहुत जल्दी गल जाता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं, कंटेनर होते हैं, उसमें भी रख सकते हैं, प्लास्टिक की बर्नियों में भी रख सकते हैं। मेरी अम्मी के पास वो चीनी की बहुत खूबसूरत सी बर्नियाँ थी, उनमें वो अचार डाला करती थी। तो आप किसी में भी इसको रख लें, ये ख़राब नहीं होगा। बस स्टील का बर्तन ना हो, प्लास्टिक के जार में भी आप इसको रख सकते हैं। तो लीजिए जनाब, बेहतरीन हमारा अचार तैयार हो गया है और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस हम इसी तरह से बाकी तमाम मसालों को मिक्स करेंगे, उस तरह से अचार बनाते जाएंगे और किसी बर्नी में या कंटेनर में शिफ्ट करते जाएंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने, सिर्फ 1.5 दिन की मेहनत में और थोड़े से सामान में हमारा महीनों भर का अचार रेडी हो गया है। बहुत सारे लोग घर में अचार बनाते हैं और फिर सेल करते हैं क्योंकि होममेड अचार की डिमांड बहुत है। और थोड़े से सामान में देखिए ये 7 से 8 kg अचार तैयार हुआ है। सामान आपके सामने है, रेसिपी आपके सामने है। तो ये कमर्शियल रेसिपी है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इसका आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, नहीं तो आप घर में पूरे साल का अचार बना के रख सकते हैं। मेरी गारंटी है ये ख़राब नहीं होगा और बहुत देर तक चलेगा। जिसे भी आप खिलाएंगे वो इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर मांगेगा। तो आज की अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आखिर में दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।